दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी मैं आपके सामने मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो लेके आया था। अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर आई बटन पर क्लिक करके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल हम आज की वीडियो में सोमवंश, कणवंश, शकवंश एवं कुषाण वंश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपरों में पूछे जा सकते हैं उनको हम रिविजन करेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब हिंदी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि मगध पर सोमवंश की नींव किसने डाली। तो मगध पर सोमवंश की नींव पुष्यमित्र सुंग के द्वारा डाली गई थी। पुष्यमित्र सुंग किस जाति का था? यह ब्राह्मण जाति का था। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? तो इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो इसे पराजित किया था पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाया? तो इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। बरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था पुष्यमित्र सुंग ने। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था देवभूति। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कब की गई थी? तो ये की गई थी 73 ईस्वी पूर्व में। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी वासुदेव ने। देवभूति की हत्या के बाद मगध की राजगद्दी पर किस वंश का शासन हुआ? तो ये कणव वंश का शासन शुरू हो गया था। कणव वंश का अंतिम राजा कौन बना था? तो ये बना था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने करवाई? तो इसकी हत्या सीमुक ने करवाई थी 60 ईस्वी पूर्व में। सीमुक की हत्या के बाद किस वंश की स्थापना की गई? तो ये की गई सातवाहन वंश की स्थापना। सातवाहन वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की? प्रतिष्ठान में। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सीमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी एवं यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहनों की भाषा कैसी थी? प्राकृतक एवं इनकी लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज कैसा था? मातृस्तात्मक। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? सातवाहन शासकों के द्वारा ही करवाया गया। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हिंदी यूनानी आए, फिर सकाए, फिर पल्लव और फिर कुषाण। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया डियोटोडस प्रथम के द्वारा। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? नागसेन से, जिसे नागार्जुन भी बोला जाता है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए? हिंद यूनानियों ने। भारत में गंधार कला किनकी देन है? तो यह हिंद यूनानियों की ही देन है। यूनानियों के बाद भारत में किस वंश के लोग आए? शक वंश के लोग। विक्रम संवत कब से शुरू हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व पश्चात। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? रुद्रदामन प्रथम। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का संरक्षण किसके द्वारा किया गया? शकों के द्वारा। गिरनार अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था? रुद्रदामन के द्वारा। पल्लवों के बाद भारत में किस वंश के लोग आए? कुषाण वंश के लोग। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल फड़फिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कुषाणों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? पुरुषपुर पेशावर को। कुषाणों ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? मथुरा को। कनिष्क राजगद्दी पर कब बैठा था? 78 ईस्वी में। कनिष्क ने राजगद्दी पर बैठते समय जो संवत चलाया उसका नाम क्या था? शक संवत। भारत सरकार के द्वारा कौन सा संवत प्रयोग में लाया जाता है? शक संवत प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। सबसे अधिक सोने की मुद्राएं किन शासकों के द्वारा जारी की गई? कुषाण शासकों के द्वारा।
कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध राजवैद्य कौन था? चरक। चरक संहिता की रचना किसके द्वारा की गई? चरक के द्वारा ही। महाविवाह सूत्र के रचनाकार कौन थे? वसुमित्र। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविवाह सूत्र को ही। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई? अश्वघोष के द्वारा। अश्वघोष किसके दरबार में राज्य कवि थे? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के दरबार में प्रमुख दरबारी कौन कौन थे? वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत व संरक्ष। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कनिष्क के शासनकाल में किस प्रसिद्ध शैली का विकास हुआ? गांधार शैली एवं मथुरा शैली का। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहां पर हुआ? तो इसका आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। तो ये थे दोस्तों इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमारे इन क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.haryanadistrict.com पर जाकर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई सवाल, क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7270188380 पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।